दोस्तों, यह है महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बसा गढ़चिरौली जिला, जो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। ये जिला पूर्व में छत्तीसगढ़ के जिले गोंडिया, राजनंदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर से लगता है। इसके अलावा ये जिला दक्षिण में तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14,400 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो साइप्रस देश की जनसंख्या के बराबर है। यहाँ लगभग 11 लाख की आबादी पाई जाती है। गढ़चिरौली शहर बहुत ही छोटे लगभग 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ पूरे जिले की जनसंख्या में से 7% इसी शहरी इलाके में रहते हैं। ये जिला 26 अगस्त 1982 को अस्तित्व में आया। इसे नागपुर डिवीजन के चंद्रपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। इस जिले का मुख्यालय गढ़चिरौली में ही मौजूद है। वैसे इस जिले को महाराष्ट्र के लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जंगल इसी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ का मौसम और यहाँ की ज्योग्राफी इसको महाराष्ट्र के यूनिक जिलों में से एक बनाती है। गढ़चिरौली से वैनगंगा नामक नदी बहती है, जो इसे फ्लड प्रोन इलाका बनाता है। इस इलाके में सागौन और बैम्बू की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। सागौन का इस्तेमाल शिप बनाने और घरों में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बैम्बू का इस्तेमाल खाने से लेकर फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, ईंधन और घरेलू चीजों में होता है। इतिहास की बात करें तो ये जिला राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव और देवगिरी साम्राज्य के द्वारा रूल किया गया है। 13वीं शताब्दी में खंडक्या बल्ला शाह ने चंद्रपुर को अपनी राजधानी के तौर पर बसाया था, जिसमें से आगे चलकर गढ़चिरौली जिला अस्तित्व में आता है। 1905 में गढ़चिरौली एक तहसील के रूप में स्थापित हुआ था, जो लगभग 77 ईयर्स के बाद जिले के रूप में जाना जाता है। इस जिले को महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है। इन लोगों को यहाँ होने वाले घने जंगलों से काफी फायदा पहुँचता है, जो इसे नक्सलियों वाला रेड कॉरिडोर इलाका बनाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये इलाका छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्य से लगता है। इसके अलावा नक्सली आंदोलनों से भी यहाँ की इकोनॉमी प्रभावित होती है। यहाँ के इस विशाल भूभाग पर एक वर्ग किलोमीटर के इलाके में 74 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ की कुल आबादी के लगभग 60% लोग ही शिक्षित हैं, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी पर भी असर दिखाई देता है। पुरुष महिला अनुपात की बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों पर लगभग 976 महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ की जनसंख्या में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनमें 84% हिंदू, 8% बुद्धिस्ट और लगभग 2% के आसपास इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से सटा होने के कारण यहाँ की भाषाओं में भी काफी वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ की 54% आबादी मराठी को अपनी मातृभाषा मानती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर 23% के साथ गोंडी, 11% तेलुगु, 5% बंगाली और लगभग 2% लोग हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ये इलाका महाराष्ट्र के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। ज्यादातर इलाके को ट्राइबल इलाके में गिना जाता है। यहाँ की 80% जमीन पर बियाबान जंगल मौजूद है। यहाँ के लोग बैम्बू, तेंदू के पत्ते और धान उगाते हैं। यहाँ की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा इसी प्राथमिक क्षेत्र से आता है। यहाँ के सबसे बड़े कारखानों में यहाँ की चमोरसी तहसील में मौजूद पेपर मिल है। इसके अलावा छोटी मोटी चावल प्रोसेसिंग जैसी यूनिट्स भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ के नक्सल प्रभावित इलाके की वजह से यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत धीमी गति देखी जा सकती है, लेकिन बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड द्वारा मिली राशि से इलाके में डेवलपमेंट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस इलाके में आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर रेलवे की एक 18 किलोमीटर लंबी लाइन टच करती है। इसके 300 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस जिले से नेशनल हाईवे 63, 353 सी, 353 डी और नेशनल हाईवे 542 और 930 गुजरते हैं। गढ़चिरौली की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों पर NH33 वाली नंबर प्लेट देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कभी गढ़चिरौली आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आपके शहर के बारे में होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।